हेलो दोस्तों, स्वागत है श्याम ठाकुर फिटनेस में। और आज हम बात करने जा रहे हैं कैसे नेचुरल टेस्टोस्टेरोन को मैंने 450 से 1000 तक पहुंचा दिया। लगभग लगभग 1000 मैंने पहुंचा दिया, 1000 है एनडी पर डियर। और ये कैसे हो गया, आखिर ये चमत्कार कैसे हो गया, और ये कैसे पॉसिबल है कि इतना टेस्टोस्टेरोन आप गेन कर सको विदाउट एनी एनाबॉलिक यूज। ठीक है, नेचुरली आप कैसे इतना बूस्ट कर सकते हो, इतना बूस्ट करना पॉसिबल है या नहीं है, है तो कैसे है, कैसे पॉसिबल, मैंने ये काम करके दिखा दिया और कैसे आप ये काम कर सकते हो। देखो, आपने देखा होगा बहुत सारे टेस्टोस्टेरोन बूस्टर आते हैं। आप जानते हो टेस्टोस्टेरोन बूस्ट करने का क्या फायदा होता है, आपका लिबिडो इंक्रीज होता है, आपकी मसल्स इंक्रीज होती है, ठीक है, और आपकी फीलिंग गुड के जो फैक्टर होता है वो इंक्रीज होता है, ये सब चीजें होती है। लेकिन एक्चुअली कितना आप उसको इंक्रीज कर सकते हो, और कितना इंक्रीज कर सकते हो डिपेंड करता है सब लोगों के ऊपर, क्या इंक्रीज कर सकते हो, क्या ये फायदा करते हैं जो टेस्टोस्टेरोन बूस्टर होते हैं, सिर्फ पैसे की बर्बादी है। तो एक्चुअल में मैंने ये काम कैसे किया और ये कैसे आप कर सकते हो, इसके ऊपर ये वीडियो है, तो चलो देखते हैं। और यदि आप चैनल को नया सब्सक्राइब कर लो, मुझको बेल आइकन को प्रेस कर लेना, मुझको इंस्टाग्राम पे फॉलो करना, नीचे आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ठीक है, देखो जो सबसे पहला मैंने काम किया, जो सबसे पहले मैं जो देख रहे 450 के आसपास जो टेस्टोस्टेरोन है, ये ऐसे है कि मैंने साइकिल जब ऑफ की थी उसके कुछ 4 या 5 महीने बाद की बात है, ये तब है ये। ठीक है, आई थिंक बीसीटी के बाद कितने 3 महीने हो गए थे तब की ये है। तो होता क्या है कि जो आपका नेचुरल टेस्टोस्टेरोन है, सपोज किया जाता है कि वो चीज वापस आ जाएगी धीरे धीरे, तो धीरे 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 इंक्रीज होना चालू होता है। अच्छा, इसमें टेस्टोस्टेरोन बूस्टर जैसे आपने सुना होगा अश्वगंधा है, शिलाजीत है, ठीक है, ये सब जब आप यूज करते हो तो आपका टेस्टोस्टेरोन इंक्रीज होता है, ये बात तो ठीक है। इसके अलावा जिंक वगैरह हो गया, जिंक एक अच्छा मिनरल्स है जो आपकी बॉडी में टेस्टोस्टेरोन को इंक्रीज कर सकता है। विटामिन डी हो गया जो कोलेस्ट्रॉल के थ्रू टेस्टोस्टेरोन को बनाता है, तो हमारी बॉडी में एक्चुअली बनने का प्रोसीजर यही है, तो विटामिन डी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है जिसको हम कह सकते हैं। ठीक है, तो कैसे आखिर मैंने ये काम किया है, इसके बारे में समझने के लिए आपको समझना होगा कि एक्चुअली बॉडी टेस्टोस्टेरोन कब ज्यादा बनाती है। टेस्टोस्टेरोन ज्यादा तब बनाती है जब बॉडी में एस्ट्रोजन की कमी होती है। तो मैंने क्या किया, मैंने टेस्टोस्टेरोन से एस्ट्रोजन के थ्रू जो कन्वर्जन था उसको ब्लॉक किया। कैसे मैंने ब्लॉक किया, मैंने थोड़ा सा एंटी एस्ट्रोजन या कभी मैंने क्लोमेट टेस्ट या जो आप टेमोडेक्स जिसको बोलते हो, टेमोक्सिफेन सेट्रेट, तो उसका यूज जब हम लोग करते हैं तो वो बहुत ज्यादा इंक्रीज करता है। जैसे टेमोडेक्स के बारे में देखे गए, टेमोक्सिफेन जिसको बोलते हैं, नोलवाडेक्स बोलते हैं उसको, तो वो आपकी बॉडी में 150% तक टेस्टोस्टेरोन इंक्रीज कर सकता है। तो जब आप यहाँ से उसको रोकते हो, यानी आप जो टेस्टोस्टेरोन का एस्ट्रोजन कन्वर्जन है उसको आप या तो ब्लॉक करते हो या आप ऐसा कुछ यूज करते हो जो उसके तरीके मिमिक करता है और टेस्टोस्टेरोन से एस्ट्रोजन कन्वर्जन को ब्लॉक करता है। तो ये मेडिसिन जो मैंने आपको बताई ये एक्चुअल में वर्क करती है बजाय किसी टेस्टोस्टेरोन बूस्टर के लेने के, क्योंकि जो टेस्टोस्टेरोन बूस्टर में पैसे बर्बाद करना है वो मुझे नहीं लगता किसी को करने चाहिए। ठीक है, बहुत ही कम है जो इनको जिनको उससे फायदा हो जाता है, अधिकतर लोगों से फायदा नहीं हो पाता। क्यों फायदा नहीं हो पाता, क्योंकि अलग अलग वजह से उनका टेस्टोस्टेरोन कम है। मान लो आपकी जिंक की वजह से टेस्टोस्टेरोन कम है, आपकी जिंक डेफिशिएंसी, ठीक है, तो आपने जिंक लिया, आप टेस्टोस्टेरोन इंक्रीज करेगा। आप सोते कम हो, यदि आप सोते कम हो तो भी आपका टेस्टोस्टेरोन कम हो सकता है। ठीक है, तो उस केस में आप यदि अच्छी नींद लोगे और सही टाइम पे सोगे, सही टाइम पे उठोगे, सारी एक्टिविटी का एक जो टाइम है रूटीन बना लोगे, तो आपका टेस्टोस्टेरोन जो है इंक्रीज हो जाएगा। ये सब चीजें मैंने की साथ में, ठीक है, लेकिन यदि आप सब कुछ ऑलरेडी कर रहे हो तब भी आपका टेस्टोस्टेरोन कम है। अच्छा, वैसे 400-500 ये कम नहीं होता है, ये जिसको पता होगा वो कम नहीं होता है ये, लेकिन ये कम इन द सेंस है कि जो आपका ऑप्टिमल है वो 800-900 इस तरीके से है। ठीक है, तो ये ऑप्टिमल है आपका, ये जो मैक्सिमम एक जो आपने देखो ना, जो 17-18 साल में जो लड़के प्रोड्यूस करते हैं, 17-18 साल जब आपके एग्ने निकलने लगते हैं खूब, जब आप टेस्टोस्टेरोन बना रहे उस टाइम पे जो टेस्टोस्टेरोन होता है वो 800-900 के थोड़ा सा ऊपर, लेकिन 1000 मैंने लगभग 1000 उसको क्लोज किया। ये ह्यूमन मैक्सिमम आप समझ सकते हो कि एबिलिटी है जो टेस्टोस्टेरोन बनाने की है, जो आपका टेस्टिकल्स बना सकते हैं नेचुरली। तो अब यदि आपके ये डेफिशिएंसी है तो आपको तो वो काम करेगा, नहीं भी है तो देखो, यदि आपने साइकिल की है या नहीं भी की, तो नहीं की है तो मैं इन तरीकों को बताऊंगा ही नहीं, ये तरीके आपके लिए है ही नहीं, आपको इसकी कोई जरूरत ही नहीं है, यकीन मानो कोई जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं होता है कि 400-500 से यदि आपका 1000 हो गया तो आपको बहुत मसल बिल्ड हो जाएगी, बिल्कुल ऐसा नहीं होता है। यही एक चीज लोगों को समझने आनी है मुझे। देखो, सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है, आपको ये लगता होगा जैसे किसी का मान लो 300 है, उससे उसका 350 हो गया या 500 है 600 हो गया, तो फिर तो 500-600 में बहुत कुछ अंतर आ जाता होगा, बहुत मसल उसकी ज्यादा बने, ऐसा कुछ नहीं होता है। ठीक है, ये 100-150 से कुछ फर्क नहीं पड़ता है, अनलेस अंटिल बहुत ही कम है। जैसे कि अब मान लो 150 है, 200 है, तो 200 से 300 हो गया तो उसको थोड़ा फर्क समझ में आएगा,
300 हो गया, 200 वाले का यदि 400 हो गया तो सब फर्क समझ में आएगा, ठीक है। 400 वाले का 600 हो गया तो शायद उसको समझ में ना आए, 600 वाले का 800 हो जाए, 800 वाले का 1000 हो जाए, इतना फर्क समझ में नहीं आता हो सकता, कुछ भी समझ में ना आए, ऐसा आपको समझना पड़ेगा। तो इसलिए आप जो पैसे बर्बाद कर रहे हो टेस्टोस्टेरोन बूस्टर में, तो वो कभी ऐसे नहीं बर्बाद करनी चाहिए। पहले आपको जानना चाहिए कि कमी है किस लिए, यदि कमी है, कम बन रहा है तो आखिर क्यों कम बन रहा है, या आपके पहले से ही ऐसा बनता है। तो मैंने किया क्या, मैं जानता था कि मैं पहले जो पहले के मैं बॉडी बनाती थी वो 800, 850, 900 इस तरीके से बनाती थी, ठीक है। लेकिन इतना तो अब तब भी नहीं बनाती, तो इतना कैसे बनाने की, इतना बनाने लगे इसीलिए क्योंकि मैंने क्रोमेट लिया नोरबाटिक्स दोनों चीजों का, मैं कह रहा हूँ याद क्यों कह रहा हूँ, तो कभी क्रोमेट कभी नोरबाटिक्स थोड़ा चेंज करके, ठीक है, मैंने उनका यूज किया। तो उससे क्या हुआ कि उसने टेस्टोस्टेरोन ब्लॉक किया तो बॉडी ने बहुत टेस्टोस्टेरोन इंक्रीज कर दिया, ठीक। और उसके साथ मैंने बाकी सब चीजें भी ठीक की, मैं सोने का टाइमिंग अपने ठीक की, मैंने न्यूट्रिशन का टाइमिंग अपने ठीक की, क्योंकि जब पीसीटी के बाद में आपको चाहिए होता है कि जल्दी से आपकी टेस्टोस्टेरोन बॉडी दोबारा बनाने लगे, तो उस कंडीशन में जब मैंने ये यूज किया, हालांकि ये तो पीसीटी के मेडिसिन माने जाते हैं कि तो पीसीटी में यूज होती है, बिल्कुल सही बात है, पीसीटी में यूज होती है। मेरा एक एक्सपेरिमेंट था जिस एक्सपेरिमेंट को मैं देखना चाहता था कि जब आपकी टेस्टोस्टेरोन को आखिर कहाँ तक ये ले जा सकता है, यदि नॉर्मल रेंज पर आ गए तो फिर कहाँ तक ले जा सकता है, तो ये मोस्ट अबव नॉर्मल रेंज आप कह सकते हो, यहाँ तक वो ले जा सकता है, यहाँ तक उसकी कैपेसिटी है, ठीक है। तो इससे भी ज्यादा जाया जा सकता है, शायद इससे ज्यादा भी जाया जा सकता है, ये ऐसे हो सकता है कि यदि कोई एससीजी प्लस नोरबाटिक्स या फिर जो भी एस्ट्रोजन ब्लॉकर्स होते हैं एरोमेटिक्स वगैरह उसका यूज करे तो वो इससे भी ज्यादा जा सकता है, ठीक है। तो इससे भी ज्यादा जाया जा सकता है, इससे ज्यादा तो फिर जाने की कोई जरूरत ही नहीं, देखो हो सकता है कि कुछ कोई 100 इससे ज्यादा जाते हैं, लेकिन डेस्टिकल्स की तो एक लिमिट है, उससे ज्यादा वो बना नहीं सकते। फिर ऐसा नहीं है कि आप बहुत सारे चीजें लोगे तो वो 4000, 5000 आपका आने लग जाएगा, ऐसा कभी नहीं हो पाए, उसकी अपनी एक लिमिट, हो सकता है वो 1200, 1300, 1500 आ जाए किसी का, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि नहीं आ सकता नेचुरली, बट नेचुरली चीज नहीं पॉसिबल हो पाती, 1500 नेचुरली अचीव करना इज लाइक इम्पॉसिबल, इवन नेचुरली तो है ही नहीं, ये नेचुरल नहीं है, ये तो एसीजी से भी पॉसिबल नहीं है। अब यदि मैं कहूँ कि क्या ये 100% नेचुरल था, तो एब्सोल्युटली नॉट, ये 100% नेचुरल नहीं था, क्योंकि मैंने क्या यूज़ किया, मैंने यूज़ किया क्रोमेट, मैंने नोरबाटिक्स यूज़ किया, कभी कभी मैंने जैसे मैंने ऐसे गैप लिया है कि मैं नोरबाटिक्स यूज़ किया, बीच बीच में मैंने क्या यूज़ किया कि मैंने एरोमेटिक्स भी यूज़ किया, कितना यूज़ किया 0.25 mg, यानी 1 mg के जो छोटी टैबलेट होती है उसको हाफ डिवाइड किया, और उनमें भी उसको हाफ डिवाइड यानी 1/4 टैबलेट, तो उसका यूज़ किया, इवन 1/4 टैबलेट ही इनफ है आपको वहां तक पहुंचाएं कि आप टेस्टोस्टेरोन को मैक्सिमम लेवल पर ले जाने के लिए। तो लोग बहुत ज्यादा यूज कर लेते हैं, लेट्रोजोल आती है जिसको 2.5 mg बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, ये सब चीजें से मैं कहता हूँ कि आप खुद से आपको नहीं करनी चाहिए, ठीक है। तो 0.25 mg एरोमेटिक्स इज इनफ टू इंक्रीज योर नेचुरल टेस्टोस्टेरोन लेवल, ठीक है। तो इस चीज को आपको समझना होगा, इस चीज को आपको फॉलो करना है, यदि आपके साथ भी ऐसी कंडीशन है, या तो आप मुझसे डायरेक्ट कॉन्टेक्ट कर सकते हो, या तो आप इस चीज को पढ़ सकते हो, ठीक। तो ये चीज पॉसिबल है कि किसी का भी टेस्टोस्टेरोन कम है तो उसको शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए इंक्रीज किया जा सके। क्या ये परमानेंट सॉल्यूशन है? नहीं, ये परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। क्यों नहीं है परमानेंट सॉल्यूशन? हमेशा आप इन सब चीजों का यूज नहीं कर सकते, कुछ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम आप ये चीज यूज कर सकते हो कुछ मंथ के लिए। क्या इससे बॉडी बनेगी? नहीं, इससे बॉडी नहीं बनेगी, बॉडी बनाएगी नहीं, लेकिन जो ऑलरेडी साइकिल करते हैं उनके लिए बहुत बेनिफिशियल है। यदि मैंने 900, 1000 मैंने रोक दिया है, अच्छा मैंने अच्छा रोक दिया, लेकिन तो वापस वो वैसी आदत तो हो गई ना, वापस उसने एक्टिव हो गए, तो अब मैं नहीं यूज करूंगा तो भी 450 से वो 650, 700 यहाँ तक वो अच्छे से बनाएंगे, और इतना बहुत है जिसमें आप सारा अपना काम कर सकते हो, सारे आपकी चीजें, आप एक्सरसाइज वगैरह सब चीज अच्छे से कर सकते हो। जो बॉडी बिल्डिंग गोल्स है यार, वो मैं उनको बता दूँ, जो स्टार्टिंग ऐसे लोग करते हैं 500 mg से, इवन 500, इवन 1 ml, 1 ml मतलब 250 mg पर वीक की मैं बात कर रहा हूँ, वो जो 1 ml के एम्प्योर आता है उसकी मैं बात कर रहा हूँ, उससे आपका जो बॉडी है वो 1300, 1400 इस तरीके की पहुंच जाती है 1500। ये एक्चुअल में सुपर फिजियोलॉजिकल डोज है, ये वो डोज है जहां पर आप गेन करना चालू करते हो, इवन 1500, 1800, 1900, 2000, 500 mg, 2000 के भी ऊपर, ठीक है। तो ये वो डोज है जिसमें आप एक्चुअल में मसल गेन के बेनिफिट देखते हो। 2-400 ऊपर नीचे हो जाए, 2-400 वैसे बहुत होता है, लेकिन 100 यदि ऊपर नीचे हो जाए तो उतना फर्क मसल में नहीं आता। हाँ, बाकी चीजों में आ सकता है, जैसे लिबिडो नहीं है, लो एनर्जी फील कर रहा है कोई, मानो कोई 300 जिसका टेस्टोस्टेरोन है, 200, 300 वो लो एनर्जी फील कर रहा है, वो 400, 500 पे गया, उसकी एनर्जी आ गई, वो एनर्जी फील करने लग गया, तो ये यहाँ पे बहुत बेनिफिशियल है।
इसका ये नहीं मतलब होने वाला है कि अच्छा 400 से 600 गया तो उसके बाद अच्छा अब तो 1 इंच मसल आ ही जाएंगे, 1 इंच बाइसेप्स इंक्रीज हो जाए, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है गाइस। ठीक है, थोड़ा सा एक्टिवनेस आपको फील हो सकती है, थोड़ा सा रिकवरी आपकी थोड़ी सी जल्दी हो सकती है। ठीक है, ये इतने बेनिफिट हो सकते हैं, तो ये बहुत बेनिफिट है, ये बेनिफिट बहुत ज्यादा है, आपके स्पर्म क्वालिटी इंक्रीज होती है इससे। ठीक है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आप जानते हो, और जो लोग अभी 18-19 में होंगे उनको शायद उतना फर्क ना पड़े, लेकिन जब वो अपने 30s में आएंगे, 40s में आएंगे, 30-35, 25-35 ऐसी एज में आएंगे 25 के बाद में, तो आप तब आप ये देखोगे कि दूसरी चीजें मैटर करने लगती हैं, तब फर्टिलिटी भी मैटर करती है, हर एक चीज मैटर करती है। होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, आपने ये एक्सपेरिमेंट जो मैंने किया या आपने जो देखा होगा तो आपको अच्छा लगा हो, ये बहुत ही यूनिक एक्सपेरिमेंट था अपने आपने, इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछना है मुझको आप कमेंट में पूछ सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।